हालेलुया शालोम टू एवरीवन। मेरी तरफ से तमाम मसीह टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रेयर पॉइंट आता है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर आता है, हमारे बच्चों को लेकर आता है, हमारी फैमिली को लेकर आता है, या फिर हमारी लाइफ के किसी भी पार्ट को लेकर आता है, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रेयर पॉइंट, तो हमें खुदावंद के सामने से किस तरह से लेकर जाना है। इससे पहले मेरे अजीजों, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे नजर करेंगे कि जब हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में होते हैं, अपने ऑफिस में हो, तो हम अपने बॉस के सामने जब किसी काम को लेकर जाते हैं, या एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने किसी वर्क को लेकर जाता है, अपने होमवर्क या क्लास वर्क को लेकर जाता है, या अपने टेस्ट एग्जाम को लेकर जाता है, तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है सबसे ज्यादा, या फिर जिस बच्चे ने टीचर के समझाने के वे को इस तरीके से अचीव किया, अडॉप्ट किया उसने, कि वो अच्छे से टीचर के मेथड को भी समझ चुका है और उन टीचर के थॉट्स को भी, नेचर को समझ चुका है कि मैंने किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर और टीचर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है, टीचर के रूल्स एंड रेगुलेशन को और अपने बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाता है, तो देन हम देखते हैं कि हमारा वर्क अदर एम्प्लॉयज और अदर स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में द बेस्ट एक टीचर और एक बॉस देखता है। क्यों ऐसा देखता है? क्योंकि हमने अपने टीचर और अपने बॉस की थॉट्स को, सम वे ऑफ उसके टॉकिंग को, उसके समझाने के तरीके को, बात करने के तरीके को, उसके इनर मैसेज को जो वो हमें दे रहा होता है, उसके इनर मैसेज को और उसकी बैकग्राउंड को हम अच्छे से अंडरस्टूड कर गए हैं, और उसी इनर मैसेज को और उसके बैकग्राउंड को मैसेज के जो वो हम पर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उसे अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने वर्क में जब अप्लाई करते हैं, तो मेरे अजीजों, वो ज्यादा हमारा काम पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम की बेस को समझ जाते हैं। इसी तरह से जब हम खुदावंद की नेचर को, खुदा के समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू को, खुदावंद के अल्फाजों को जब हम अपनी लाइफ में समझ जाते हैं, तो देन हम खुदावंद के हजूर अपने प्रेयर पॉइंट को बहुत अच्छे से और इजी वे में रख सकते हैं। हमें फिर कोई जरूरत नहीं है ज्यादा जोर लगाने की या कंफ्यूज होने की कि पता नहीं खुदा ने हमारी प्रेयर को सुना होगा या नहीं सुना होगा। मेरे जीसो, जब हम खुदावंद की बात को गहराई से समझ लेते हैं, उसकी नेचर को समझ कर अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर जाते, तो खुदावंद हमारी इस तरह से मदद करते हैं अपने पाक रूह को भेज कर कि अगर हम एक सेकंड की भी प्रेयर करते हैं, तो हमारा ईमान पहाड़ों को ढा देने वाला बना देता है। वो अपने खुदा अपने रूह को भेजकर हमारी इस तरह से मेरे अजीजों मदद करता है। हमें खुदा के कलाम को, नेचर को समझने की जरूरत है अगर हमें अपने प्रेयर पॉइंट को खुदा के सामने रखना है। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि खुदा के सामने हमें किस तरह से अपने प्रेयर पॉइंट को रखना है। हमें सबसे पहले खुदा के हुजूर जब जाना, मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी करना नहीं भूलना। हमारे पाप यीशु ने जब भी मौजजा किया, जब भी खुदा से खुदा के हजूर लिया, तो हम जानते इस बात को कि उसने शुक्रगुजारी की है। हर एक बात में खुदा ने शुक्रगुजारी की, और खुदा का कलाम भी कहता है कि क्या ही भली बात है कि तुम हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, हर एक हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। इसलिए जब हमने प्रेयर करने जाना है, तो हमने खुदावंद की सबसे पहले शुक्रगुजारी करनी है। हर एक बात के लिए, अपने प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट के लिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। हर एक बरकत के लिए, हर एक काम के लिए। हालेलुया। हम देखेंगे यर्मिया की किताब और उसका हम देखेंगे 29 चैप्टर और उसकी 11 वर्स से मेरे जीजो हम देखेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, किसके हक में? मेरे जीजो, मेरे और आपके हक में, इंसान के हक में, फर्दे बशर के हक में। खुदावंद कह रहा है कि मैं अपने ख्यालात को जानता हूँ। मैं कौन? खुदा। हालेलुया। खुदा मेरे और आपके बारे में जो ख्यालात है, जो प्लान्स है उसके हमारी लाइफ में, वो खुदा कह रहा है कि मैं जानता हूँ तेरी लाइफ में कौन से प्लान्स मैंने रखे हैं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। हालेलुया। खुदावंद के ख्यालात हमारे लिए कौन से हैं? खुदा कहता है कि सलामती के ख्यालात है तेरे लिए, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा कहता है कि हमेशा मैंने तेरे लिए भलाई के ख्यालात रखे हैं, बुराई के ख्यालात नहीं रखे। मेरे अजीजों, जब हमारी लाइफ में कोई प्रेयर पॉइंट आता है, तो हमें सबसे पहले इस चीज को देखना है कि खुदा के कलाम के अगेंस्ट तो नहीं चल रहे हम, कहीं खुदा के कलाम के अगेंस्ट तो नहीं चल रहे। क्या अगर आप खुदावंद से एक गाड़ी को मांग रहे हैं कि ये मेरी जरूरत है मुझे दे, तो आप कभी भी खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं चल रहे। वो आपकी जरूरत है, आपको
ऑफिस जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है, बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने के लिए गाड़ी की जरूरत है, आपको चर्च जाने के लिए, मेरे हिसाब से सबसे बढ़कर चर्च जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत है, आपको अपनी कन्वीनियंस चाहिए, आप इसलिए मांग रहे हैं खुदा के जलाल के लिए, आप अच्छे तरीके से खुदा से मांग रहे हैं, आपके ख्याल जो है वो अच्छे हैं, तो खुदा अंजाम खुदा क्या कहता है, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा के भी ख्याल हमारे लिए भलाई के, वो चाहता है कि वो आपको गाड़ी प्रोवाइड करे, एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करे, एक अच्छा घर आपको प्रोवाइड करे, अच्छी ब्लेसिंग्स दे, हालेलुया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए कि मैं भी अपने फ्रेंड को बताऊं कि मेरे पास भी, अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है, मतलब आप शाह के नाम को जलाल आप नहीं ले, तो मेरे के ये आका मांगने का तरीका गलत है। खुदा कहता है, इसी वजह से खुदा का कलाम भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे पास से खुला जाएगा, लेकिन तुम मांगो तो तुम्हें दिया नहीं जाता, क्यों तुम्हें दिया जाता, क्योंकि तुम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। यही बात है मेरे जो खुदा कहता है कि तुम्हारी, मतलब कि इंसान की नीयत होती है जो कि अच्छी नहीं है, कौन सी, कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए मुझसे ब्लेसिंग को मांगते हो।